Hello students, I, Neha Verma, welcome you all in the science class of class 7. The topic heterotrophic mode of nutrition of chapter number 1 is going on, and today we shall discuss about the rest two mode of heterotrophic nutrition. It means simbionts and carnivorous or insectivorous plants. So let's start. Yes, we have discussed about the heterotrophic mode of nutrition. Let's revise that first. Heterotrophic mode of nutrition वह mode होती है जिसमें organism अपने food के लिए किसी other organism पर depend करता है, जबकि autotrophic mode of nutrition में जो organism होता है वो अपना food खुद तैयार करता है. तो heterotrophic mode of nutrition के मैंने आपको four types बताए थे कि कौन-कौन सी mode होती है. First मैंने आपको बताया था parasite या फिर पैरासिटिक प्लांट्स. सेकंड मैंने आपको बताया था सैप्रोट्रॉफ या फिर सैप्रोफिटिक प्लांट. नंबर थर्ड जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिम्बायोन्स या फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स. एंड नंबर फोर्थ और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो स्टूडेंट्स ऊपर की दो मोड हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी रेस्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बायोन्स एंड कार्निवोरस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिम्बायोन्स से. सेकेंड बनाते हैं हमारा राइज़ोम.
राइजोबियम तक ज्यादा होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। राइजोबियम का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हम जानते हैं कि हमारी एयर कंपोजिशन में नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन का जो एयर में परसेंटेज है वो 78% है, बट जो एयर से नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है वो प्लांट्स के लिए इनएक्टिव स्टेट में होती है, यानी प्लांट्स उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसके लिए परफॉर्म जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, राइजोबियम जैसे कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस पी के सबके रूट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे सपोज करके हमने पी एंड मटर का प्लांट लिया तो उनकी जो रूट होती है उस पर छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन नोड्यूल्स में क्या होता है, उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करता है, जो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म होती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन की फॉर्म यूज करने को मिलती है वो राइजोबियम से प्रोवाइड हो जाती है। इसके बदले में कुछ राइजोबियम को फूड यानी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है जो प्लांट्स उसको प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से राइजोबियम प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और बदले में उनका भी फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिंबायोन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ स्टूडेंट्स सिंबायोन्स के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इसका बिल्कुल लास्ट मोड है, लास्ट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। और ये भी उस
कर लेते हैं। थर्ड पर आता है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप भी एक द्विपक्षी पौधा है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर इस तरह से इसकी शेप होती है और यहाँ पर इसके पॉइंटेड यानी स्टेंसिल्स होते हैं कांटे। जब जो हमारा इंसेक्ट है वो यहाँ पर बैठता है यानी यहाँ पर इंसेक्ट बैठा तो वो क्या होता है कि उसको इंसेक्ट को तुरंत एकदम बंद कर देता है। उससे इंसेक्ट वहां से बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही मार लिया जाता है। और इस तरह से वीनस फ्लाईट्रैप यानी हाथ पर लीफ उसको क्या करती है न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। नंबर फोर्थ पर है ब्लैडर वॉल। तो स्टूडेंट्स ब्लैडर वॉल जो होता है इनकी जो लीव्स होती है वो ब्लैडर्स की तरह होती है, छोटे छोटे ब्लैडर्स की तरह होती है। और इनका एक ट्रैप डोर एंट्रेंस होता है, मतलब एक बार जब कोई भी पंछी इनकी तरफ कोई इंसेक्ट इसकी तरफ आता है तो अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर उससे नहीं निकल सकता। तो इस तरह से जब कोई पंछी यानी इंसेक्ट इनके ब्लैडर के मुंह की तरफ घूमता है तो वो उसके अंदर की तरफ सक कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है और डाइजेस्ट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स इट वॉज अबाउट द लार्वास और इंसेक्टिवरस प्लांट्स, दे वर एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ आया होंगे और अगर कोई कोई डाउट है तो वो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So keep it here for today and in the next class we shall start group exercise. But till then bye bye, take care.